वेलकम बैक आफ्टर द सुनील शेट्टी यानी बॉलीवुड के अन्ना भले ही आजकल फिल्मों से ज्यादा अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हों, लेकिन अब उनका कमबैक दूर नहीं है। फिल्म डैडी कूल के साथ सुनील शेट्टी वापस दिखेंगे बड़े पर्दे पर। हालांकि उनकी ये नई फिल्म एक हॉलीवुड कॉमेडी की नकल है। भले ही सुनील शेट्टी अपने सेट्स पर प्रैंकस्टर के नाम से जाने जाते हो, लेकिन उन्हीं पर जब ये प्रैंक खेला गया तब वो भी चौंक गए। दरअसल सुनील अब दिखेंगे फ्यूनरल यानी मैयत पर आधारित एक कॉमेडी फिल्म में। काफी प्रैंक्स किए हुए हैं। आई थिंक बोलने से ज्यादा आज आई थिंक दे आर आल्सो गोइंग टू शो सम ऑफ द प्रैंक्स दैट वर प्लेड। ये नहीं कि मैंने ही सारे प्रैंक्स किए, लेकिन इन्फ्लुएंस मैं जरूर करता हूँ और बहुत सारे प्रैंक्स हैं जो सब पे हुए, मुझ पे हुआ, बाकी लोगों पे भी हुआ। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ शूटिंग फॉर डैडी कूल। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है राघव सचर ने, और काफी सालों बाद राघव ने फिर एक बार इस फिल्म के प्रमोशनल टाइटल ट्रैक में लड़की की आवाज भी खुद ही। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। My male voice is much better than my female voice, but I do use the female voice and I have used it in Daddy Cool as well. All the entire stack of the Daddy, Daddy Cool, Daddy, Daddy Cool, Daddy, Daddy Cool, all that's been done by me. आपके father हैं sir? ये मेरे dad नहीं हैं। आपको बता दें कि सुनील को अपनी इस नई फिल्म के सफल होने की पूरी उम्मीद है, और हो भी क्यों ना। ये एक सफल हॉलीवुड फिल्म डेथ एट अ फ्यूनरल पर जो आधारित है, पूरी तरह से हॉलीवुड की कॉपी की गई इस फिल्म में कॉमेडी मसाले के साथ साथ कई एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये नई फिल्म सुनील शेट्टी को फिर एक बार बॉलीवुड के मेन लाइन में जगह दिला पाएगी। तेजस्विनी कमलकर, TV9। रिलैक्सो की बोतल में ड्रग्स थी। दोस्तों, बॉलीवुड की बातें अभी और भी बाकी हैं, मगर वक्त का तकाजा कुछ और है। बी टाउन की और भी बातें होंगी मगर अगले एडिशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।